नमस्कार, मैं शुभम मरमट, न्यूज 18 लोकल से। अभी हम खड़े हैं महाकाल मंदिर के प्रांगण में। महाकाल मंदिर की ऐसी कई ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यहाँ पे देखा जाता है कोई भी राजा महाराजा या किसी भी प्रकार का नेता यहाँ पर महाकाल मंदिर में सर पर ताज या मुकुट या पगड़ी या केप किसी भी प्रकार का यहाँ पर पहन के दर्शन नहीं करता है। कल यहाँ पे ये नियम तोड़ा गया जिसके अंदर महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान मिस इंडिया जो कि उज्जैन की है उन्होंने यहाँ पे दर्शन करे। दर्शन के वक्त उन्होंने सर पे क्राउन पहन रखा था जिसमें जिसको लेके पुजारी उन निंदा करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु भी ये फैसले से नाराज है दिखाया जा रहा है। हमारे बीच में श्रद्धालु, हम इनसे बात करेंगे। कल मिस इंडिया उज्जैन आई थी, उन्होंने महाकाल भगवान के दर्शन करे, उन्होंने क्राउन अपने सिर पर पहन रखा था। इस परंपरा तोड़ी गई है मंदिर की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत ही गलत करा उन्होंने, जो कि क्राउन यानी बाबा महाकाल के सामने दर्शन करे और खड़ी रही वो। और ये बहुत ही गलत है कि जो पुरानी जो रीति रिवाज चली आ रही है, जो राजा महाराजा हैं वे जो उन्होंने आज तक उन पगड़ी नहीं पहनी बाबा महाकाल के सामने, वो पहन के वहाँ दर्शन करती रही और बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही। देखा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर में सुरक्षा कर्मी पुलिस कर्मी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इनमें से किसी भी लोगों ने सर पे ना कैप लगा रखी है ना कुछ लगा रखी है, क्योंकि महाकाल भगवान की एक परंपरा जुड़ी हुई है मंदिर से कि यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु या कोई भी राजनेता यहाँ पे दरबार में भगवान के दर्शन करने आता है उसके सर पे किसी भी प्रकार का भार नहीं रहता है। मंदिर की मर्यादा में भगवान महाकाल के सामने कोई भी व्यक्ति ताज टोप कैप पगड़ी आदि इत्यादि नहीं पहनते हैं, ये यहाँ की मर्यादा है और उस मर्यादा का पालन किया जाता है और उस पालन करना चाहिए। मिस इंडिया के रूप में जो हमारे नगर की जो बालिका है उसने नाम कमाया जीता है, उसके लिए वो धन्यवाद की पात्र भी है। महाकाल उसे सदैव उत्तरोत्तर उन्नति दे, ये हम प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन वहाँ के जुड़े होने के कारण, पुजारी होने के कारण, उस परंपरा से जुड़े हुई परंपरा से मंदिर के होने के कारण हमें जब जब वहाँ मंदिर से कोई मर्यादा टूटती है, मर्यादा भंग होती है, तो हम उस विषय को लेकर जाते हैं और ये शहर को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मंदिर की ये मर्यादा का पालन होना चाहिए। उन्होंने को मर्यादा का पालन करना था, ये जो ताज भगवान की शरण में रखना था और उसको हाथ में लेकर और फिर उसको वहाँ से प्रणाम करके भगवान को जाना चाहिए था, जो कि उन्होंने सर पे रख के पूजा की, दर्शन किए, गर्भगृह के बाहर से दर्शन डेली से किए, नंदी हाल से किए, जो एक सर पे इस प्रकार का ताज रख के करना एक राजा के सामने वो अनुचित है, वो अमर्यादित है, उसमें मर्यादा का पालन जरूरी है। मंदिर समिति से भी है, सदैव ये हमारी मांग रही है, हम मांग करते ही आए हैं कि मंदिर में ड्रेस कोड का पालन पूरी तौर से सख्ती से होना चाहिए। साधु समाज भी मंदिर के गर्भगृह की परंपरा तोड़ते हैं। साधु समाज यदि संत है तो संत का तो कर्तव्य होता है कि मर्यादा का पालन, लेकिन जो संत मर्यादा का पालन स्वयं नहीं करते हैं तो वो मर्यादा का पालन दूसरे से कैसे कराएंगे, इस पर भी एक विचार करने का विषय है। इसलिए महाकाल मंदिर की जो मर्यादा है उसका पालन सभी सबको करना चाहिए। महाकाल मंदिर में जो घटना घटी है उसकी निंदा करते हुए यह कहना चाहूँगा कि महाकाल महाराज एक राजा हैं और राजा के सामने किसी प्रकार का क्राउन पहन करके, सिर पर पगड़ी भेटा आदि बांध करके नहीं जाना चाहिए, जो अपमानित अपमान का स्वरूप माना जाता है। मंदिर समिति से भी आग्रह करेंगे कि मंदिर समिति भी ऐसे लोगों को वहाँ की मर्यादा और परंपराओं के विषय में जानकारी दें और अधिकारी वर्ग जो वहाँ पर होते हैं, जो लेकर के जाते हैं या प्रोटोकॉल के लोग होते हैं, वहाँ भी उन्हें उसकी जानकारी देकर उसके पालन करने की आवश्यकता को समझावें। महाकाल महाराज के आंगन में जो मिस इंडिया नहीं बनी वो पहली बार दर्शन करने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने ताज अपने सर पे पहन रखा था और महाकाल बाबा के सामने गए थे, जो कि अनुचित है, नियम के विरुद्ध होता है। महाकाल मंदिर की एक परंपरा है, महाकाल मंदिर के नियम बने हुए, उसको फॉलो करना चाहिए। मेरा यही सुझाव है कि भविष्य में महाकाल मंदिर समिति से भी कि इस प्रकार के कोई भी VIP आते हैं तो उनको एक नियमावली पहले से ही दे दी जानी चाहिए कि आपको इस तरीके से दर्शन करना होते हैं, और जो भी इस तरीके से परंपरा अनुसार नहीं आते उनको वहीं पे रोक देना चाहिए और उनको आगे की प्रोसेस बताना चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन है